बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज लेकर आई हूँ आलू मसाले वाले बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी, हल्के से मसाले के साथ, चटपटाहट के साथ। बहुत पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, जब भूख लगे फटाफट से रेडी कीजिए और एंजॉय कीजिए ये मजेदार सी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक हसबे जरूरत और 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टमाटर लिया है और 1 अदद हमने प्याज ली है, आलू लिए हैं तकरीबन 1/2 kg और उनको इस तरह से कट कर लिया है। एक पैन में शामिल किया है 4 टेबल स्पून ऑयल, उसमें स्लाइसिस की हुई प्याजें शामिल कर दी हैं और इनको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। बच्चों की बहुत फेवरेट होती है इस तरह की रेसिपी जिसमें मसाला कम हो और टेस्ट ज्यादा हो, तो जरूर से ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, बहुत मजेदार बनेंगे ये आलू। प्याजें हमारी फ्राई हो चुकी हैं। 1 टीस्पून जितना लहसुन लिया था उसको मैं मोटा मोटा कूट लिया था, वो शामिल कर दिया है इसमें। इसको भी थोड़ा सा कर लेंगे फ्राई। 1 टमाटर जो लिया था उसको कर लिया है चॉप फाइन और उसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल कर दिए हैं चॉप किए हुए टमाटर, इनको प्याजों के साथ कर लेंगे मिक्स। थोड़ा सा करेंगे फ्राई और उसके बाद फ्लेम को कर दीजिए लो और इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर करके रखूंगी जब तक टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। मैंने टमाटरों का छिलका उतार लिया था, आप चाहें तो छिलकों समेत भी इसको पका सकते हैं, आप चाहें तो बिना कवर किए भी इसको मैश कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी छिलका उतरा हुआ है, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 मिनट बाद मैंने लीड ओपन की है, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे और साथ में मसालों के साथ टमाटर को और मजीद मैश कर लेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें, गर्म मसाला पाउडर, नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर क्रश्ड है थोड़ा सा और लाल मिर्च पाउडर, इन तमाम चीजों को टमाटर और प्याज के मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। मसाला भुन चुका था, अब इसमें शामिल कर दिए हैं मैंने आलू और इनको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे परफेक्टली और फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा इस टाइम पर। तमाम आलू अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं और इसमें शामिल करूंगी मैं सिर्फ 1/2 कप पानी और उसके बाद इसको रखूंगी लो फ्लेम पे 15 मिनट्स के लिए बिल्कुल दम पर, जिसपे कि अच्छी तरह ये आलू गल जाएंगे बिल्कुल परफेक्टली। हाफ कप शामिल किया है पानी, इसको मिक्स करेंगे और अब कर देंगे इसको कवर। ये रेडी है, इसको चेक करेंगे अब 15 मिनट बाद। 15 मिनट बाद मैंने चेक किया है, ये देखिए आलू बिल्कुल परफेक्टली गल चुके हैं। थोड़ा सा इसमें पानी का लिक्विड बाकी है, इसको करेंगे ड्राई। फ्लेम को मैंने कर दिया है फुल और इसमें शामिल की हैं चॉप की हुई हरी मिर्चें, चॉप किया हुआ हरा धनिया, लेमन जूस शामिल करूंगी, 1 लेमन का जूस लिया है। साथ में इसमें 1 चुटकी के बराबर गर्म मसाला पाउडर शामिल कर देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी जो है मजेदार सा हो जाता है। अब इसको सर्व करेंगे नान के साथ, चपाती के साथ, गर्मा गर्म और एंजॉय करेंगे ये मजेदार सी रेसिपी जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद।